हेलो दोस्तों दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने वाला है, और आज मुझे 10वीं के रिजल्ट का इंतजार है क्योंकि आज रिजल्ट है शिक्षा द्विवेदी का आने वाला है। ये साल भर पढ़ाई की है तो आज दिन है जो पता लगेगा कि साल भर इन्होंने कितनी मेहनत की है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या आशा है। आज 12:30 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो अभी 10 मिनट हैं रिजल्ट आने में, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी उम्मीद है, कितना रिजल्ट आएगा। शिक्षा बताओ, क्या उम्मीद है, कितना तक का रिजल्ट आएगा तुम्हारा? उम्मीद तो अच्छी है, 90+ ही आना चाहिए। 90+ आना चाहिए कि आएगा, ये कॉन्फिडेंस होता है ना। आएगा ये, वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि क्या होगा। देखो, जब आदमी का पेपर अच्छा जाता है ना तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा इतना रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि रिजल्ट मायने नहीं रखता है, मार्क्स मायने नहीं रखते जिंदगी में, लेकिन मार्क्स हमें बताते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है और कितना हार्ड वर्क हमने किया है। ठीक है, तो आज पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, क्या रिजल्ट है। हालांकि जी पहला बोर्ड पेपर था तुम्हारा 10th का, तो कुछ भी हो रिजल्ट वो हमें मंजूर होगा, लेकिन मेहनत तुम्हारी आज देखने को मिलेगी। तो तुम्हारा क्या है कि कितना 90+ बनेगा। अब देखते हैं, हमारे दर्शक भी देखने के लिए उत्सुक हैं कि कितना हमारा तुम्हारा रिजल्ट बनेगा, और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि कितना तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा 90+ बनेगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ तुम बोल रही हो तो अच्छा ही आएगा, और मैं भी चाहता हूँ कि 90+ बने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब देखो कितनी मेहनत की है तुमने। चलिए दोस्तों, अब मात्र 1 मिनट बचे हैं जो कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 10th और 12th का, और हमें तो इंतजार है क्लास 10th के रिजल्ट का। तो शिक्षा, क्या माहौल है, डर का कैसा लग रहा है? मत पूछो। मत पूछे, तो चलो अब देख ही लेते हैं कि तुम्हारा कितना रिजल्ट बनता है। तो 12:30 बज चुके हैं और रिजल्ट जितना कि 12:30 बजे आएगा, तो मेरे ख्याल से शायद आ गया होगा। तो चलिए अब आपके सामने चेक करते हैं शिक्षा का रिजल्ट, और डर का माहौल तो मुझे भी पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तो चलिए आपके सामने ही चेक कर लेते हैं। कौन सी वेबसाइट है? mp.in या फिर mp, ये रुको, है मेरे पास फोटो, किसकी? वो है जो होता है ना, ये शुभम भेजा था। चलो आ गई रंग। mprezults.nic.in मुझे लग रहा है सर्वर डाउन हो गया, क्योंकि इतने लोग, ज़्यादा लोग खोल रहे हैं, इसलिए अभी खुल नहीं रहा है। अब देखते हैं, प्रयास करते हैं, शायद 1-2 मिनट में खुल जाए। वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही है, ये आप खुद ही देख लो, ये वेबसाइट पर हमने क्लिक किया, ये ओपन ही नहीं हो पा रही है। दूसरा वाला डाल रहा हूँ जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे डर का काफ़ी माहौल है, और डर के मारे लग रहा है कि शिक्षा पागल हो जाएगी। आप उसका रिएक्शन देखना चाहेंगे तो मैं आपको रिएक्शन उसका दिखा रहा हूँ। ये देखो शिक्षा, क्या हाल चाल है, दिखाओ इधर। इधर तो हाय तो बोलो, क्या हाल है, पास या फेल? पास, ऑलवेज पास। चलो देखते हैं, पापा जी का मैसेज आ गया। ए, पापा जी ने तो कहीं नहीं भेज दिया। पापा जी का मैसेज आ गया। पापा जी का क्या मैसेज आया? हाँ, ये शिक्षा का रिजल्ट आ गया, पापा जी ने भेजा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अरे मम्मी, कितना है? पहले रुक जाओ, इसको बड़ा करो, इस पे छोड़। ये है शिक्षा का रिजल्ट। चलिए आपके साथ ही हम देखते हैं इंग्लिश में कितना पाई है, 87, हिंदी में 87, संस्कृत में 90, मैथमेटिक्स में 97, साइंस में 90, सोशल साइंस कितना, 90। बहुत बढ़िया, मीन्स आउट ऑफ 500 454, 500 में 400 पाई है। आप नाम भी सकते हो शिक्षा
शिक्षा द्विवेदी, पिताश्री का नाम श्रीवेदी, भाई का नाम नहीं लिखा इसलिए नाम नहीं है। दोस्तों तो यहाँ शिक्षा का रिजल्ट आ चुका है और शिक्षा अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना रिजल्ट आने वाला है। तो कितने आए शिक्षा बताओ? 90%। तो दुखी क्यों, हंसो थोड़ा, आराम से बोलो, अच्छे से हंसो। कम है हमारे लिए तो 50% आ जाता है तो बहुत है, तुम्हारे लिए कम है। 90% बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो आप भी शिक्षा को बधाई दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 90% आपके लिए क्या है, ज्यादा है कि कम है, क्योंकि ये तो कम है। देखिए ये रो रही है, आप इसके चेहरे से देख सकते हैं कि ये रो रही है। तो 90% भी नहीं चाहिए तो कितना चाहिए तुमको? 94 चाहिए था, 94+ चाहिए था। हाँ, तो अब जिन्होंने कॉपी चेक की है तो उन्होंने कुछ गलतियां देखी होंगी इसलिए ज्यादा नहीं दी। अब 90% करते नहीं बना है। अच्छा कॉपी चेक करते देख लीजिए, बोल रही कॉपी चेक करते नहीं बना है। अब मतलब लड़कियों को कितना भी नंबर दे दो कमी है, 100 में 100 दे दोगे फिर भी कमी रहेगा, है ना, देख सकते हो आप। तो मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों, आप भी इसको कमेंट में बधाई दीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छा था, 90% मेरे लिए बहुत है। आप देख भी सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ 90% कैसे आया। ये देखिए दोस्तों, ये है शिक्षा द्विवेदी और इंग्लिश में इसके आए हैं 87, हिंदी में 87, संस्कृत 90 और मैथमेटिक्स में इसके बहुत ज़्यादा आए हैं, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं जिससे बिल्कुल नहीं बनती थी, मैं पढ़ाता था इसको के पेपर के दिन मैंने 2 बजे रात तक पढ़ा था। हाँ ठीक है, लेकिन मैथ मैं इसको पढ़ाता था तो इतना मारता था क्योंकि ये मैथ रटती थी, इससे बनता नहीं था मैथ। और साइंस में भी 90, सोशल साइंस में भी 90, सोशल साइंस में तो कम है मेरे हिसाब से क्योंकि 90 बहुत कम है सोशल साइंस में, सोशल साइंस में और ज़्यादा आने चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में 97 ये मुझे उम्मीद नहीं थी। चलिए 90.8% बने हैं इसके, ये आप देख सकते हैं 454 out of 500। ठीक है तो चलिए बढ़िया रहा रिजल्ट, लेकिन कुछ कमियां हैं लेकिन सुधर जाएंगी धीरे धीरे। 90% बहुत होता है, हमारे खुद 90 नहीं बने थे टेंथ में, मेरे तो 70% थे, तो मैं तो मेरे लिए तो बहुत है ये। तो चलिए धन्यवाद, और आप भी खुश रहिए अपने परिवार के साथ, हमें भी जीने दीजिए और शिक्षा को बधाई दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि शिक्षा का रिजल्ट आ गया है और 90.8% बने हैं, तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये पागल खुश नहीं है, ये बोल रही है कि और ज़्यादा बनने चाहिए, और पता नहीं क्यों खुश है, क्यों नहीं खुश हो बताओ? अरे 95+ की उम्मीद थी, पेपर बहुत अच्छे गए थे, इतने कम नंबर आएंगे नहीं हो गया। देखो 90% पाने वाला भी आम इंसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत अच्छे परसेंटेज है मेरे हिसाब से, और अब खुश रहो, अब आगे की तैयारी करो, अब आगे जो भी सब्जेक्ट लेना हो, जो भी चूज करना हो, आगे अच्छे से लग के उस पर मेहनत करो, ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।